in all his destructive vultural wrath, and Rahu and Ketu on the backs of a tiger and a pigeon are an indelible part of the different stories on the aspects of the Navagraha Charitam. The interpretation of Navagraha Charitam thus would be presented in this dance drama. Concept and choreography, Meenu Thakur. Music, Siddharth Das. Lyrics, Rishi Raj Pathak. तो आइए चलते हैं नवग्रहों की दुनिया में और देखते हैं उनकी प्रकृति एवं उनसे जुड़ी लघु कथाएं। प्रस्तुत है भगवान सूर्य की उदात्त कथा, जिसमें वे दिंडी की उपासना से प्रसन्न हो उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करते हैं। तम तरित जनता री तरित तन जनु दिव्य दीव तरित जनुदा दी रति तन जनु दिव्य तम तरित जनु तरित तन जनु दिव्य दीव तरित जनु तरित तन जनु दिव्य तम तरित जनु तरित जनु तम तरित जनु तम तरित जनु तम तरित जनु दिव्य तरित जनु तम तरित जनु तम तरित जनु तम तरित जनु दिव्य तरित जनु तम तरित जनु तम तरित जनु रति कटतम रति कटतम रति कटतम रति कटतम रति अहम् सूर्यः प्रविशामि प्रविशामि अहम् सूर्यः प्रविशामि 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 प्रविशामि
इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप देख सकते हैं मीनू ठाकुर जी को, जो इस देश की जानी मानी कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। हम उनसे इस डांस के बारे में और उनके अपने नृत्य सफर के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को। तो सबसे पहले तो मीनू जी यही जानना चाहेंगे कि जितना एक तो उत्तर प्रदेश की मेरी भी पैदाइश है और इलाहाबाद में पैदाइश, इलाहाबाद में पढ़ाई लिखाई, मूलतः बनारस, उन सारी चीजों को देखते हुए जो पहला प्रश्न आता है मन में वो ये कि पिताजी तो संगीत से उनका कोई सीधा रिश्ता नहीं था, माँ का भी कोई सीधा रिश्ता नहीं था, फिर ये नृत्य कैसे दिमाग में आया और ये कैसे सफर कैसे शुरू हुआ, क्या कोई शौक था उन लोगों को, आपके अंदर ये नृत्य कहाँ से आया? ये मैं कहना चाहूंगी कि ये शौक जो था मेरी मदर को था, नृत्य का शौक, और मुझे भी बचपन से मेरी माताजी ने बताया कि जब मैं छोटी थी तो म्यूजिक से बहुत लगाव था। जैसे जब मैं रोती थी तो मेरी माँ मेरे कान में वो म्यूजिक या रेडियो जो होता था वो रख देती थी तो मैं चुप हो जाती थी। तो वो चीज जब मैंने बड़े होके जानी तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि चल ये कुछ ये रूप थी कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है, और इसी वजह से संगीत का जो लगाव था वो नृत्य की तरफ बढ़ गया। और घर में पहले नृत्य किया करते थे, उसके बाद मैंने अपनी माताजी को बोला कि मुझे नृत्य सीखना है, तो उन्होंने मुझे फिर नृत्य की शिक्षा के उसमें डाल दिया और फिर मेरी नृत्य की शिक्षा शुरू हुई। और इसी तरह से सफर हमारा जारी हुआ और इस क्षेत्र में बढ़ते गए। एक प्रश्न और बड़ा स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश का अपना बेहद लोकप्रिय डांस अगर है कोई तो वो कथक है, लेकिन आपने कुचिपुड़ी को चुना, तो इसके पीछे की भी कोई कहानी होगी, कोई वजह होगी, वो वजह शेयर करें हमसे। बताना चाहूंगी कि मैंने जब नृत्य की शुरुआत की तो कथक से ही की। मैंने कथक नृत्य की शिक्षा ली 5 साल तक कथक केंद्र से, और उसके बाद मेरा रुझान जो है कुचिपुड़ी की तरफ गया। उसकी भी एक छोटी सी ये कहानी है कि मेरे पांव में फ्रैक्चर हो गया था, तो कुछ समय के लिए ये मेरी शिक्षा थोड़ी रुक गई थी जो कि कथक की थी, और उसी दौरान मेरा कोर्स भी पूरा हो गया था जो फाउंडेशन कोर्स रहा। और फिर मुझे किसी फ्रेंड ने बताया कि एक कुचिपुड़ी नृत्य की वर्कशॉप चल रही है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते, तो मेरी फ्रेंड मुझे लेके गई और वहां जो कुचिपुड़ी मैंने देखा मुझे बहुत ही पसंद आया, और वो मतलब मुझे लगा कि यही मुझे सीखना है और यही मुझे करना है। सो इस तरीके मैं कुचिपुड़ी की तरफ मेरा रुझान बढ़ा और अभी तक मैं नृत्य सीखती हूँ, सिखाती हूँ और परफॉर्म करती हूँ। और इस सफर में किन किन गुरुओं का आशीर्वाद मिला? चूंकि अब आपने ये जानकारी नहीं थी, मुझे ये जानकारी नहीं थी कि आपने शुरुआत कथक से ही की थी, तो कुछ उन गुरुओं का भी जिक्र करते हैं इस मुलाकात में, जिनका आशीर्वाद आपको मिला और जिन्होंने आपके अंदर के कलाकार को गढ़ा। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि कथक केंद्र में श्रीमती भारती गुप्ता जी से मैंने कथक की शिक्षा ली थी, और उसके बाद कुचिपुड़ी में स्वप्न सुंदरी जी, जयराम राव, वनश्री राव, पशुपति सीता रमैया जी और भी अनेक एक दो गुरु रहे हैं मेरे जिनसे मैंने ये शिक्षा ली है। तो इन गुरुओं के आशीर्वाद से ही मैं जो भी कर रही हूँ वो मतलब मुझे लगता है अभी बहुत कम है और आगे और भी शिक्षा लेनी बाकी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।